नमस्कार ब्रांड, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज हम लेकर आए हैं कॉल ऑफ ड्यूटी और आज हम खेलेंगे। है तो चार जने पर, लेकिन कोई टीम मेट नहीं है मेरे साथ, ऐसा कोई कि जिसके साथ मैं खेल सकूं। तो अल्टीमेट ही जो भी आए हैं उनके साथ खेलेंगे। और ये दिक्कत होती है थोड़ा किसी और के साथ खेलने में, क्योंकि वो उससे बात नहीं कर सकते, बात नहीं करता कि करता है इसलिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, और कोई अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है साथ में खेलने के लिए तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो डिस्कॉर्ड है उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए उसने कहाँ उतार दिया, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं अपन कहाँ उतरते हैं। और एक कसरत भी करती है, देखिए एक हमारा फ्रेंड ने पहले ही से यहाँ से अलग हो गया है और हम दो उतरे हैं। तो उसमें भी एक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। यहाँ पे और भी टीम उतर रही हैं, तो ऐसी जगह उतारा जहाँ बंदूक बंदूक मिलना तो थोड़ा मुश्किल था। और मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत था, मतलब खेला तो बहुत बार हूँ, बहुत बार भी नहीं खेला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खेला हूँ तो थोड़ा आइडिया है कैसे खेलना है क्या नहीं। काफ़ी अच्छा है पबजी से मुझे अच्छा ही लगता है। अब सबसे अच्छी बात कि मोबाइल में भी चल जाता है, छोटा है थोड़ा, रैम वगैरह इसमें छोटे रैम में भी चल जाती है। तो यहाँ पे मुझे बंदूक तो मिल गई है दोनों, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा बंदूक लिया जाए जो दूर से मारा जाए। हालांकि ये मुझे चलाना आता नहीं है, फिर भी मैंने इसको ले लिया। और अब टारगेट थी किल करने की, क्योंकि पहली बार खेला था थोड़ा तो, और रिकॉर्डिंग भी कर रहा था तो थोड़ा वैसा था कि अच्छा लगे और लोगों को देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पे मैप में पहले फीडबैक आ गया इसका, तो आई थिंक ये पहला किल है मेरा और काफ़ी जल्दी मिल गया। आई थिंक ये बोर्ड था, इसको मारने के बाद देखिए अब मेरा वो आया है टीममेट जो सपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन अब जैसे बात नहीं हो पा रही तो किधर जा रहा है वो किधर नहीं। देखिए यहाँ पे भी एक आ गया, यहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आ रही थी तो मैं बहुत देर से कंफ्यूज था, एक गाड़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसमें जो भी बैठा था वो फायर नहीं कर रहा था ना कुछ, सिर्फ बैठा था वैसे इंतज़ार कर रहा था किसी के आने की, क्योंकि इसमें क्या है गाड़ी की आवाज़ आती रहती है अगर कोई गाड़ी में हुई तो, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है इसमें बैठे के। और मैंने यहाँ दूसरा किल लिया, एक अंदर घुस गया तो उसने अंदर जैसे ही घुसा तो उसने क्या किया, उसमें और भी थे जो प्लेयर तो उनको मार दिया उसने, देखिए एक मेरे सामने ही मार दिया। और मैप में मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप लोग भी देखने गए तो ध्यान दिया करो, देखिए मैप में यहाँ पे फुटबैक दिखेगा आपको, मैंने नहीं दिया इसलिए मेरा जो टीममेट था उसने देख लिया। जैसे अभी आएगा वो मेरे पीछे से, देखिए जी आ गया और उसने फायर करने लग गया और ये मेरे ऊपर टारगेट कर रहा था इसलिए वो जल्दी किल हो गया। और ये भी किल मुझे को मिला। और मेरी एक आदत है, मैं जैसे ही किल करता हूँ ना तो उसके बाद मैं आगे उसको लूटने पहुँच जाता हूँ। देखिए यहाँ फुटबैक पे फिर पीछे बैक में मुझे कोई दिखा, आई थिंक कोई है, सोचा कि चलो टीम के साथ खेलने में थोड़ा अच्छा भी रहता है। उसकी क्या होती है अगर वो सपोर्ट मिलता रहता है, कोई आया कोई नहीं बचा भी सकता है, इसमें दोबारा भी आ सकते हैं, तो ये फायदा होता है इसमें अगर टीम के साथ। तो अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टैंड, अब मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी में कोई था ही नहीं ना मुझे गाड़ी दिख रही थी, तो मैंने क्या किया, तो मुझे वो दिख भी नहीं रहा था इसमें कहाँ है, तो मैंने गाड़ी पे ही फायर कर दिया। हालांकि वहाँ से फिर उसने मेरे लिए फायर किया, देखिए गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। और तब तक मेरा जो टीममेट था जो मेरे साथ खेल रहा था वो भी मर गया था, फिर मैंने सोचा चलो उसको वो कर दे अपन बचा लिया जाए। फिर वो वापस आया कि नहीं आया ये भी मुझे पता ही नहीं चला। मुझे थोड़ा स्ट्रेस चलाना आता नहीं है, क्योंकि एक बार मैं
बहुत से मैंने देखा है कि वो तो फटाफट मार देते हैं बिल्कुल, तो वो प्रैक्टिस से आएगी धीरे धीरे। देखिए मेरे पास गोली भी ख़त्म होने वाली है, 50 गोली है, और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास गोली है कि नहीं है। वही वाला किल तो साला मुझे लगता है कि डॉगी ले गया। Engaging zombies. इसके पास गोलियां थी पहले से, अगले बार इसे बंदूक में बंदूक चेंज करने वाला था वहां पे। Zombies incoming. तो यहाँ पे मेरा 3 नंबर तो ना वो ऐसी जगह पर बैठा था जो उसको तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि मतलब वो ऐसी जगह पर बैठ सकता है। मैंने उसको करा दिया। वो जो आपको यहाँ पे सामने वो दिख रहा है ना फूल सा, ये फूल सा कह रहे हैं, वो झूला झूला है जो बहुत बड़ा, उसके सबसे ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर। देखो मैं 3 नंबर के बिल्कुल आकर मैप में आप देख रहे हो ना, तो बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं, लेकिन वो दिखेगा ही नहीं। यहाँ तो मैं बाल बाल बचा, ऐसे ही वो आया ना। हमें मुझे लगता है कि इसकी बंदूक की गोलियाँ ख़त्म हो गई, नहीं तो वो तो मेरे को मार ही देता है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा था कि मैं मार ही जाऊँगा यहीं पे, लेकिन मेरे को वो भग गया और भगा जैसे ही उसके मेरे फुटबैक दिख गए। देखो यहीं से उसके मैं जैसे ही जूम करूँगा ना तो वो दिख जाएगा वहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये बैठा है। अजय वाली बंदूक तो मुझे चलानी आती नहीं है लगता है ऐसे बिल्कुल, और नया प्लेयर जैसे तो लग ही रहा होगा। देखिए मैंने कितनी बार मारा उसको लग ही नहीं रहा था, तो दूसरा आ गया और मेरे को फायर करने लगा। मैं दूसरी बंदूक निकाली और इसको फायर कर दिया, जल्दी मर गया जी। ये मेरा 13वां किल हुआ इसी के साथ, और मैं एक और किल करूँगा और गेम ख़त्म हो जाएगा। मैं जीत नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरे नंबर पर रहा। टीममेट में कहता रहा हूँ, टीममेट होता है ना और टीम ग्रुप होती है, उसके साथ खेलने में अलग ही मज़ा आता है। बात भी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हो बचाया कि नहीं बचाएगा ऐसा करने के। इसमें तो ऐसा लगता है जैसे अकेले ही खेल रहे हूँ। इसको तो मैं मार दूंगा। लेकिन जो इसके बाद जो आएगा ना उसको मैं नहीं मार पाया क्योंकि बच गया। थोड़ा सा दिमाग यूज नहीं कर पाया मैं, और इस वजह से मान लकी रहा मैं बहुत ज़्यादा। ओहो नहीं 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 अब तो छोड़, कहाँ है बे? Using adrenaline shot now. मार कहाँ से रहा है? The safe zone is collapsing. Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. मुझे वो दिख नहीं रहा था, फिर दिखा भी तो मैं एकदम सामने आ गया, बिल्कुल सामने आके फायर करने लगा उसको। अरे